दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल में। IPL 2020 के 13वें सीजन का 47वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और सनराइज हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला काफ़ी ही ज़्यादा रोमांचक होगा। दिल्ली कैपिटल पिछले दो मैच की हार को भुलाकर सनराइज हैदराबाद के खिलाफ मंगलवार को यहां होने वाले इंडियन IPL के महत्वपूर्ण मैच में जीत दर्ज करके प्ले ऑफ में जगह पक्की करने की कोशिश करेंगी। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स और किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ हार के बाद दिल्ली को अब तक अंक तालिका के अंक है, इससे वह अंक तालिका के शीर्ष पर पहुंच जाएगी। दूसरी तरफ सनराइज हैदराबाद की टीम प्ले ऑफ में पहुंचने की उम्मीद अगर मगर तक टिकी है। जी हां, वही डेविड वार्नर की अगुवाई वाली टीम है 11 मैचों में 8 अंक है और वह अंक तालिका के में 7वें स्थान पर है। प्ले ऑफ में पहुंचने के लिए उसे न सिर्फ अपने सभी मैच जीतने होंगे बल्कि बाकी बच्चों मैच अनुकूल परिमाण की उम्मीद कर सकते हैं। वहीं दिल्ली के पास आक्रमण बल्लेबाज और मजबूत गेंदबाज हैं, एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं क्योंकि अलग अलग समय पर उसके किसी भी खिलाड़ी का बेहतर खेल कर दिखा सकते हैं। वही अच्छी स्थिति में पहुंचा है तो, लेकिन पिछले 3 मैचों में शिखर धवन को छोड़कर दिल्ली के बाकी बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। वही चेन्नई के खिलाफ शतक जड़कर टीम को जीत दिलाने वाले धवन ने किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ भी जड़ा था, लेकिन अन्य बल्लेबाजी की कमी से टीम को हार झेलनी पड़ी थी। वही कोलकाता के खिलाफ दिल्ली के बल्लेबाजी 194 रन के लक्ष्य के सामने दबाव में आ गए थे, वही 139 रन ही बना पाए थे। सलामी बल्लेबाज प्रतिभा खराब दौर पर गुजर रहे, उनकी जगह लिया जा सकता है। वही लेकिन ये सीनियर बल्लेबाज खाते हुए नहीं खोल पाए। वही शिखर पंत, सिमरन हेटमायर और अंतिम एकादश में वापसी करने के बाद रन बनाने के लिए जुटे हैं। वही गेंदबाज के अक्षर अफ्रीका में शंकर ने राजस्थान के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन पंजाब के खिलाफ वह उसे नहीं दोहरा पाए थे। लेकिन जैसे हेडमायर की शामिल के बाद उसकी गेंदबाज मजबूत हुई थी, उनके गेंदबाज में पिछले अच्छा प्रदर्शन किया था। जी हाँ, वही बात करते हैं सनराइज हैदराबाद की संबोधित खिलाड़ी डेविड वार्नर, कप्तान जॉन विलियम्सन, विकेटकीपर मनीष पांडे, विजय शंकर, अब्दुल समद, जेस होल्डर, राशिद खान, खलील अहमद, संदीप शर्मा, नी नटराजन जैसे शानदार खिलाड़ी होंगे। जी हां, बात करते हैं दिल्ली कैपिटल के संबोधित खिलाड़ी शिखर धवन, ईयर कप्तान ऋषभ पंत, विकेटकीपर मार्क स्टोनिस, सिमरन हेटमायर, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, अश्वनी पांडे जैसे शानदार खिलाड़ी होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये IPL 2020 का 47वां मुकाबला है। आपको क्या लगता है आज कौन सी टीम जीतेगी, आप कमेंट में ज़रूर बताओ। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए।